अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ डीगल फिश, जो कि बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ, बेहद ही कम इंग्रेडिएंट के साथ इसे हम बनाने वाले हैं। तो चलिए सिंपल सी रेसिपी के साथ हम इसे स्टार्ट करते हैं बनाना कि किस तरीके से डीगल फिश बनाई जाती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लोहे की कढ़ाई ली है और इसमें 3 चम्मच तेल डाला है। चम्मच ये वाला ही है जिस कढ़ाई के अंदर मौजूद है, इसी चम्मच से मैंने 3 चम्मच भर के तेल डाला है। फिश में थोड़ा तेल अच्छा लगता है ज़्यादा, तो आप आपके हिसाब से देख लें, अगर कम खाते हो तेल तो थोड़ा कम कर ले। फिलहाल मैंने 3 चम्मच तेल इसमें डाल दिया है और तेल को अच्छा खासा हमें गर्म करना है। तो गैस हाई से मीडियम फ्लेम की ओर है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून के करीब जीरा ऐड कर दिया है। जीरे को लाल कर लेना है और गैस का फ्लेम को मैंने अभी हाई कर दिया है। तो लोहे की कढ़ाई में फिश बेहद ही ज़्यादा अच्छी बनती है टेस्ट में, तो इसलिए मैं हर जब भी फिश बनाती हूँ लोहे की कढ़ाई लेती हूँ। उसके बाद जी चॉपिंग प्याज मैंने यहाँ पे एक बिल्कुल छोटा सा प्याज मैंने लिया था, उसको चॉप करके बिल्कुल बारीक इस तरीके से हमें जीरे के बाद ऐड कर लेना है और प्याजों को हमें बिल्कुल लाल सुर्ख कर लेना है, हल्का सा भी सफ़ेद नहीं रहने देना है, पूरा लाल कर लेना है। मैं अभी दिखाती हूँ आपको किस तरीके से करना है। और हाँ, प्याज जब डालो आप तो आप इसे स्पून की हेल्प से हिलाते रहे ताकि एक समान सारे प्याज हमारे लाल हो, कहीं जले ना और कहीं पे वाइट ना रह जाए। तो लाल प्याज हो चुके थे तो मैंने इसमें पेस्ट डाला है। पेस्ट में बता दूँ, 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे और 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 से 1.25 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर लेके उनका पेस्ट बनाया था। और अभी फ़िलहाल मैंने प्याज होने के बाद इसमें ऐड कर दिया है। तो बस इस 3 से 4 चीज़ों का पेस्ट बना के हमें डालना है सिर्फ 2 मीडियम साइज़ के प्याजों को लेकर। उसके बाद जी 10 से 15 मिनट के लिए इस मसाले को ऐसे ही भून लेंगे। फिलहाल अभी हमने नमक इसमें ऐड नहीं किया है तो नमक भी हमें ऐड कर लेना है। तो गैस का फ्लेम अभी मैंने मीडियम रखा है ताकि एकदम से हमारा मसाला डाले तो वो जले ना। तो जिस जार में हमने मसाला बनाया था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी लेके इस तरीके से ऐड कर लिया है और मसाला हमारा बर्तन के चिपके ना, तो उस हिसाब से हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए 15 मिनट के लिए इस मसाले को पकाना है। बिल्कुल दाना सा हो जाए तब तक हम इसको पका लेंगे, अच्छे से कुक कर लेंगे। तो देखिए फिर से मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर लिया है। और हाँ देखिए, फ्लैट चम्मच से ही फिश को पकाना है, मतलब कि मसाले को भी, मसाला चाहो तो आप दूसरा चम्मच ले सकते हो लेकिन जब फिश डालें तो अक्सर ध्यान रखना है कि फ्लैट चम्मच का इस्तेमाल आप लोग करें ताकि जो फिश है वो जल्दी गल जाती है, 1 से 2 मिनट के अंदर ही गल जाती है, तो उससे फिश को टूटने का डर रहता है। देखिए फिलहाल मैंने नमक ऐड कर लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बस मसाले को अच्छे से कुक होने के लिए हम छोड़ देंगे, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो मसाला अच्छा खासा हमारा हो चुका है, तकरीबन 14 से 15 मिनट हो चुके हैं मसाले को कुक होते हुए और ऑयल देख सकते हो पूरा ऊपर आ चुका है और जो मसाला है उसमें अच्छा खासा हमारा दाना पड़ चुका है। तो जो फिश है डीगल फिश, उसके जो पीस है वो एक एक करते हुए हमें डालते जाना है मसाले में, अच्छे से डिप करते जाना है। एक एक फ्लैट स्पून की हेल्प से आपको हल्के हाथों से करना है, नहीं तो आपकी फिश टूट भी सकती है। तो इस तरीके से मसाले में डिप करते जाना है, बेहद जल्दी कुक हो जाती है 2 से 3 मिनट में ही।
तो फिश की सबसे अच्छी बात तो ये है, इसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप टाइम भी मानो तो 15 से मतलब कि 20 मिनट के अंदर ये पक के तैयार हो जाती है, 10-15 मिनट मसाले को कुक करने में। तो बेहद जल्दी जो ये वाला नॉन वेज है वो पक के अच्छे से तैयार हो जाता है बेहद कम समय में। उसके बाद जो सारी फिश थी वो डाल ली है, फिश का जो वेट है बता दो 1 kg है। तो बस इस तरीके से मसाले में हमें इसे उलट पुलट करते हुए हर साइड से पकाना है, कुक करना है। चाहो तो अगर आपको लगे मसाला हमारा बर्तन के लग रहा है तो आप हल्का हल्का सा एक एक घूंट के करीब पानी ऐड कर सकते हो, एक बार में सारा नहीं करना है। तो फिलहाल मैं बता दूँ मीडियम फ्लेम पे गैस है इसलिए थोड़ा धीमे ही हमने रखा है, धीमे धीमे आँच पे ही हमें पकाना है। तो डीगल फिश काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग लगती है और इस मौसम में ज़्यादातर ये वाली फिश अच्छी लगती है। इससे पहले भी मैंने और बेहद सारी फिश की वीडियो मतलब कि डाल रखी है, रोस्टेड फिश भी डाली है, फिश एग की भुर्जी भी मैंने डाली है जो कि काफ़ी अच्छी वो वीडियो चली थी मेरी, और रोस्टेड फिश भी डाली है, और भी मसाला फिश, बेहद सारी फिश की वीडियो मैंने डाल रखी है। अगर आपको देखना है तो मेरे वीडियो पे मेरे चैनल पे जाके आप उन वीडियो को भी देख सकते हो। वो बिल्कुल मैंने अलग तरीके से बनाई है, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ। तो एक बार आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो जाके। उसके बाद जी फिश हमारी ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है, हल्की सी मतलब 80% हमने इन्हें पका लिया है, इसमें कुक कर लिया है। उसके बाद 20% हमें इसे में कसर रखी है ताकि जो हम इसमें थोड़ी सी करी के अनुसार पानी ऐड करें तो वो उसमें पक जाए। ओवर मतलब कुक हमें फिश को नहीं करना है जो कि अच्छी नहीं लगती है, ओवर कुक हो जाती है। तो बस हमें इस तरीके से कुक करना है कि जो इसके पीसेज है वो बिल्कुल साबुत रहे, टूटे ना बीच में से। तो एक बार और मैं फिर से इन्हें इस तरीके से उलट पुलट कर लूंगी हल्के हाथों से। इस तरीके से देखिए फिश हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है कुक, 80% कुक हमने कर ली है, 20% फिलहाल मैंने छोड़ दिए क्योंकि पानी जब हम ऐड करेंगे कढ़ी के अनुसार तो मैं इसमें मतलब कि 20% वो कुक हो जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे टोटल आधा गिलास पानी ऐड किया है, ज़्यादा नहीं करने वाली हूँ क्योंकि हमारे घर में जो फिश है वो थिक रखना पसंद करते हैं। मतलब कि मेरे पापा को फिश इस तरीका के ही पसंद है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे आधा गिलास के करीब पानी ऐड कर लिया है, बस 2 से 3 मिनट इसे हम मीडियम फ्लेम पे कुक होने देंगे। तो आप आपके अनुसार पानी ऐड कर सकते हो, जितना भी आप ज़्यादा खाते हो या कम खाते हो तो आप भी। Thank you.
चुके हैं पानी को डाले हुए, और पानी भी हमारा अच्छा खासा गाढ़ा सा हो चुका है। तो फिलहाल गैस को हम बंद कर देंगे और फिश जो हमारी बनके तैयार हो चुकी है अच्छी खासी। तो देखिए मैंने एक यहाँ पे स्टील का बर्तन लिया है, उसमें सारी फिश को हम डिश आउट कर लेंगे, क्योंकि लोहे की जो कढ़ाई है उसमें हम फिश को नहीं रख सकते, मतलब कि जो कढ़ाई का जो जंग है वो फिश में आ सकता है। तो इसलिए हमारी फिश बनते ही हमें दूसरे बर्तन में निकाल लेना है। तो कोई सा बर्तन आप ले लें, लेकिन लोहे की कढ़ाई में कोई सी भी सब्जी वगैरह बनने के बाद ना छोड़े, उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। तो एक एक जो पीसेज है फिश के वो करके हमें सारी दूसरे बर्तन में निकाल लेनी है। वो देखिए जैसे ही हमारी फिश बन के चुकी है, हमने यहाँ पे स्टील का जो चम्मच है मतलब कि वो ले लिया है। उसके बाद सारा सूप को हम साइडों से इस तरीके से डाल लेंगे, और फिश आप देख सकते हो बिल्कुल भी एक भी जो पीस है वो नहीं टूटा है। सारी पीस हमने इस बर्तन में निकाल ली है। ऊपर से धनिया पत्ती अच्छे से फ्रेश कट करके हमने डाल ली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हद तक टेस्टी सी भी लगती है। उसके बाद जी जो फिश की जान है वो है ब्लैक पेपर, जो कि मैंने यहाँ पे आधा टीस्पून से भी ज़्यादा ही लिया है, तो वो ऊपर से स्प्रिंकल कर लेंगे। उसके बाद जी जो धनिया पत्ती वगैरह हमने सब इसमें ऐड कर लिया है, और जो फाइनल रिजल्ट है वो आप देख सकते हो, इस तरीके से बेहद ज़्यादा ही थिक हो गई है, बिल्कुल भी सूप इसमें नज़र नहीं आ रहा है। तो इस तरह की जो फिश है वो मैंने आपको बनाना बताई है सिंपल सी, और ज़्यादा कुछ चीज़ों का भी हमने ऐड नहीं किया है इसमें। तो ये थी सिंपल सी फिश। अगर आपको पसंद आई हो तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर कमेंट भी करके जाना पसंद आई हो तो आप एक बार ज़रूर बनाइएगा और फिर बताइएगा। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट और बेहतरीन मज़ेदार सी वीडियो या व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।